नमस्कार मित्रों, गुजरात गवर्नमेंट जॉबना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबनों फरी एक बार एक नवा वीडियो में दिल थी हार्दिक स्वागत करूँ छू। दोस्तों, आज नी वीडियो में बात करीशू भरूच नगरपालिका नी। भरूच नी अंदर जे नगरपालिका छे त्यां एप्रेंटिस नी योजना अंतर्गत भर्ती करवानी थाय छे अने आ माटेनी भर्ती नी जाहेरात छे ए पण फाइनली नोटिस से न्यूज़पेपर नी अंदर आपी देवामां आवी छे। तो जो तमे एप्रेंटिस करवा मांगता होय अने स्पेशली भरूच नगरपालिकानी अंदर ज एप्रेंटिस करवा मांगता होय तो तमारा माटे सुवर्ण तक छे, जरूर थी झड़पी लेजो। एना पहला नवा जूना दरेक मित्रों टेलिग्राम अने यूट्यूब चेनल ने सब्सक्राइब करता जजो, जेथी करीने आवी नवी अपडेट तमने दररोज मळती रहे। दोस्तों, भरूच नगरपालिका तरफ थी मुख्यमंत्री एप्रेंटिस योजना अंतर्गत जे एप्रेंटिस भर्ती करवानी थाय छे तेनी विगतवार वात करीए तो एप्रेंटिस एक्ट 1961 हेठ प्रवर्तमान नियमानुसार एप्रेंटिस नी भर्ती करवानी होय आ कामे 19 डिसेम्बर 2022 थी 23 डिसेम्बर 2022 सुधी में बपोरना 11 कलाक थी सांजना 6 वाग्या सुधी में भरूच नगरपालिका कचेरी ऑफिस नंबर लखेलो छे 18 समाज कल्याण शाखा में रूबरू अरजी पत्रक मेळवी लेवानुं छे। फरीथी कहू छूं दोस्तों, 23 डिसेम्बर 2022 सुधी में बपोरना 11 वाग्या सुधी में भरूच नगरपालिका कचेरी ऑफिस खाते थी तमारे रूबरू पोतानुं जे अरजी पत्रक छे ते मेळवी लेवानुं छे। जयरे 27 डिसेम्बर 2022 सुधी में आरपीईडी स्पीड पोस्ट थी मुख्य अधिकारी भरूच नगरपालिका भरूचना नामे कवर पर ट्रेडनु नाम तेमज एप्रेंटिस योजना खास लखवानी छे अने मोकली आपवानी छे। तो आ छे अरजी करीथी करवी अने अगत्यनी तारीखो शुं छे तेना पर डिस्कशन करीशुं। हवे कया कया ट्रेड माटे एप्रेंटिस करवानुं थाय छे ए समझीए। तो सौथी पहेलो ट्रेड छे हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर, लायकात आईटीआई रहेशे। प्लम्बर माटे आईटीआई लायकात छे, टोटल 3 वेकेंसी छे। दोस्तों, हाय हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर माटे 11 वेकेंसीओ छे, ए पण तमारे ध्यानमां राखवानुं छे। कोपा एटले के कॉम्प्यूटर ऑपरेटर माटे आईटीआई लायकात रहेशे, टोटल 5 वेकेंसी छे। इलेक्ट्रिशियन माटे आईटीआई मांग्यू छे, टोटल 10 वेकेंसी छे। अने फिटर माटे 3 वेकेंसी रहेशे, आईटीआई मांगेलू छे। टोटल 32 जग्या उपर भर्ती आवशे भरूच नगरपालिकानी अंदर। वयमर्यादा विषे बात करी लईए तो 18 થી 35 સુધીની એજના તમામ ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે। સરકારશ્રીના નિયમ અનુસાર માસિક સ્ટાઇપેન્ડ ચૂકવવામાં આવશે। એપ્રેન્ટિસનો સમયગાળો પૂર્ણ થયેથી આપોઆપ છૂટા થયેલા ગણવામાં આવશે, તેમજ અગાઉ એપ્રેન્ટિસ કરેલા હશે તો ઉમેદવારોએ અરજી કરવાની રહેશે નહીં। તમામ શૈક્ષણિક લાયકાતના પુરાવાની પ્રમાણિત નકલ અરજીપત્રક સાથે રજૂ કરવાની રહેશે। આશા રાખું છું દોસ્તો તમને સૌને આ વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે। ખરેખર વિડીયો ગમ્યો હોય તો એકવાર લાઈક કરજો। ફરી એકવાર મળીશું એક નવી વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ।